इस वीडियो में हम कवर करेंगे हब, स्विच और राउटर के बीच का डिफरेंस। तीनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, लेकिन ये नेटवर्किंग डिवाइसेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं वो देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हब, स्विच, राउटर ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है सभी मल्टीपल डिवाइसेज को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके। लेकिन फिर भी ये फंक्शनैलिटी और नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करने के मामले में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हब के बारे में। हब एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करती है। जब हब में एक डिवाइस डेटा को सेंड करती है, तो हब जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं, उन सभी में उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देती है, चाहे वो इस डेटा को रिसीव करना चाहती हैं या फिर नहीं। नीचे आप इस एनिमेशन को अगर ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले ए डिवाइस डेटा को ब्रॉडकास्ट करती है जो सभी के पास चला जाता है, देन बी डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है जो कि सभी डिवाइसेस में चला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ए चाहता है कि वो बी को डेटा भेजे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक अगर डेटा को सेंड करता है तो वो उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगी हब के साथ, उन सभी में वो डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की। स्विच एक ज़्यादा एडवांस नेटवर्किंग डिवाइसेस है। जब एक डिवाइस डेटा को सेंड करती है स्विच के थ्रू, तो स्विच एनालाइज करता है उस डेटा को और उसी डिवाइस में उस डेटा को वो भेजता है जो उस डेटा को रिसीव करना चाहती है। ये नेटवर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को प्रिवेंट करके और नेटवर्क कॉन्जेशंस को रिड्यूस करके। तो जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, कोई भी पीसी अगर स्विच के थ्रू डेटा को भेज रहा है, तो वही पीसी उसे रिसीव कर रहा है जो उसे करना चाहता है। मान लीजिए कि अगर पीसी 1 पीसी 5 में डेटा भेज रहा है, तो पीसी 1 से डेटा पीसी 5 में ही जाएगा, पीसी 2 3 4 में वो डेटा रिसीव नहीं होगा। यही स्विच का फ़ायदा है। जबकि हब में जब आप डेटा भेजते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा राउटर। राउटर मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है और उन सभी में डेटा को सेंड करता है। राउटर राउटिंग टेबल का यूज़ करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि डेटा को भेजने का बेस्ट पाथ कौन सा है उसकी डेस्टिनेशन तक। राउटर इसके साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए वो अनवांटेड ट्रैफिक को फिल्टर करता है कि कौन सा ऐसा ट्रैफिक है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको वो फिल्टर करता है और उसे ब्लॉक करता है। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि हमारा राउटर जो डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये हमारा डिफरेंट नेटवर्क है, इन सभी को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर टेबल की हेल्प से मैंने आपके लिए कंपैरिजन चार्ट प्रिपेयर किया है, आप इसे रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने नोट्स के लिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं जब आप इन तीनों डिवाइसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों की समरी में आपको बताऊं, तो हब सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देता है डेटा को सभी डिवाइसेस में, जबकि स्विच डेटा को उसी डिवाइस में भेजता है जो कि उसे रिसीव करना चाहता है, और राउटर मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है और उनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो ये था डिफरेंस हब, स्विच और राउटर के बीच में।